शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा विकास करने के उद्देश्य का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे और सभी ने इस विद्यालय को बधाई दी। जैसे ऐसे उसका इतिहास होता है, उसी प्रकार से हम इस विद्या के खर्च करने से बढ़ता। विद्या के बारे में कहा गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अनुपम बात, जो जो खर्चे त्यो बढ़े दिन खर्चे घट जा है, उसको खर्च नहीं करेंगे तभी घट जाएगा। आशा ही है कि हम अगर पढ़ाते नहीं है तो हम भूल जाएंगे। घटना हुआ केवल विद्या है, विद्या में तो हम है या कहीं का हो तो थोड़ा सा अच्छा सो पढ़ाई करे, लिखाई करे, ये सब चीज़ है। यही मेरा उद्देश्य है कि एक अलग ढंग से हम स्कूल चला सकें। स्कूल तो बहुत चलती है लेकिन थोड़ा सा अलग, जो अभी सर ने जो कुछ भी स्पीच में अपना कहा है तो शायद वो उस चीज़ को मैं अमल कर सकूँ। बच्चों के लिए आपके स्कूल में क्या खास रखा जाएगा? जी सर, खास क्या रहेगा आपके स्कूल में और स्कूल की अपेक्षा? जी सर, खास तो हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने को मैं बोली हूँ और वो भी करूँगी मैं। तो खास है कितने क्लास तक इसमें बच्चों पढ़ाई? यस सर, प्लेस 5 क्लास तक है, प्ले टू 5। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम गीतांजलि। अपनी एड्रेस कहाँ है? जी सर, मैं उद्घाटनकर्ता के रूप में सम्मानित हुआ। गीतांजलि जी यहाँ प्रधानाध्यापिका होंगी और हमको जैसा यहाँ के वातावरण से लगा ये अपने कार्य के प्रति चर्चित रहेंगी और सबसे पहले ही भारत के लिए एक आदर्श नागरिक पैदा करेंगी, राष्ट्रभक्त पैदा करेंगी और आने वाले दिन में जो देश को समाज को लाभान्वित करेगा और सच्चरित्र पैदा करेंगी जो जिससे देश लाभान्वित होगा, यही इनका मूल उद्देश्य होना चाहिए और यही शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य। परिचय अपना? मैं डॉक्टर बजरंग प्रताप केसरी और हिंद केसरी, वरीय प्राध्यापक बीरपुर सिंह विश्वविद्यालय अथवा हिंदी विभाग।